कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो रही है और लॉकडाउन लगाने का दावा किया गया। पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा का दावा करने वाली ये वायरल पोस्ट फर्जी वायरल पोस्ट की जांच की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 413 में से 300 से अधिक सीट जीतेगी। डीपी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा को 2022 में उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट मिलने की उम्मीद जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सुबह करीब 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह का हालचाल लेने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम, आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बीच नाराजगी के सुर भी उभर रहे। दूसरी बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने के फैसले से पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक नाराज जताए जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र महज 5 दिनों का होगा। इस दौरान पक्ष विपक्ष सभी अपना जोर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाजपा और जदयू की ताकत इस बार कम दिखेगी। आज असम के मुख्यमंत्री 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर करेंगे चर्चा। फिर बाहर आया राफेल का चिन्ह, फ्रांस में सौंदे की जांच के लिए जज नियुक्त, कांग्रेस ने की जेसीसी की मांग। यूपी जिला पंचायत चुनाव परिणाम 2021 में बीजेपी ने लहराया परचम, भाजपा के 75 में से 67 जिला पंचायत थे। देखिए प्रयागराज में 25 साल बाद गंगा पार के खाते में गई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, लेकिन इस बार गंगा पार के हंडिया तहसील क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर वीके सिंह ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले सपा ने 60 जिप सदस्यों के समर्थन का दावा किया, वहीं भाजपा ने दर्जन भर से अधिक नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी में आने की बात कहकर सभी खुद चौंका दिया। बाराबंकी जिला पंचायत चुनाव में पहली बार खिला कमल, कांग्रेस बसपा नहीं सफाइयों ने भी दिया साथ। कोरोना के इलाज के लिए दावा के परीक्षण का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट ने किया नामंजूर। यूपी में कांग्रेस ने फिर बदले 15 जिला और शहर अध्यक्ष, निष्क्रिय पदाधिकारी से किया किनारा। एकीकृत थिएटर कमान को लेकर मतभेद, सीडीएस के रुख से वायुसेना प्रमुख असहमत। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय वायुसेना ने मीडिया की बहस में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि असाध्य बीमारी से ग्रस्त अधिक संख्या लोगों की प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है, इसमें वायरस उनके मल्टी ऑर्गन को प्रभावित करने के साथ ही लंबे समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोरोना महामारी पर गठित समिति के वैज्ञानिक ने कहा, ज्यादा संक्रमक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर। अक्टूबर से फिर बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, आईआईटी प्रोफेसर ने किया आंकलन। विशेषज्ञों की राय, टीकाकरण के बाद ही मास्क लगाना है अनिवार्य। लोग सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लाइन से लग जाते हैं, टीका लगाकर खुद को कोरोना से सुरक्षित कर लेना चाहिए। देश में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोरोना रोधी के टीके, एक दिन में 57.36 लाख की दी गई डोज। बता दें कि मानसून एक बार फिर आ रहा है, बिहार के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम भाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली से में आशंकित रूप से बादल छाए रहने की जताया अनुमान। वेस्टइंडीज की टीम को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने ये सीरीज 3-2 से अपने नाम की। टी20 सीरीज का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। बीसीसीआई ने किया डोमेस्टिक सीजन का ऐलान, लेकिन नहीं खेले जाएंगे ये 3 बड़े टूर्नामेंट।
गाजियाबाद में 5 जुलाई से नहीं देख सकेंगे सिनेमा हॉल में फिल्म, जिम और स्विमिंग पूल खोलने की भी मनाही। खबर दोपहर में स्वागत है आपका, मैं हूँ।